जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कि मेरे को यहाँ पर 30,000 तक की इंस्टेंट क्रेडिट लाइन मिल चुकी है। यहाँ पर किस्त एप्लीकेशन से अगर मैं चाहूँ तो इस लिमिट को मैं इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन गाइस इसके लिए आपको कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पर फिलअप करनी होगी और कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने होंगे। बाकी जो ये लिमिट है, आप जिस भी लिमिट के लिए एलिजिबल रहोगे वो लिमिट आपको इजीली आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। तो अगर गाइस आप भी यहाँ पर किस्त एप्लीकेशंस में लोन की प्रोसेस देखना चाहते हैं या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा इससे आपको लोन लेने के लिए। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को गाइस आप जो है प्ले स्टोर पर भी काफी आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको सर्च वाले ऑप्शन में किस्त लिखकर सर्च करना है, किस्त इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट, इस तरह से एप्लीकेशन जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस तरह से एप्लीकेशन होने वाली है। तो अभी गाइस आपको करना क्या है कि आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अभी आपने इंस्टॉल कर लिया है तो गाइस अगर इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स को मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर 4.0 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। अगर इसमें रिव्यूज को देखें गाइस तो यहाँ पर 7,39,000 से ज्यादा लोग ने इसमें रिव्यूज दिया है। और अगर इसके डाउनलोड्स को अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पर 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। अभी यहाँ पर हम अबाउट दिस ऐप पर चलेंगे और यहाँ पर इसमें गाइस कुछ इसकी डिटेल्स देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अबाउट दिस ऐप में जो प्रोवाइड कर रखा है वो ये प्रोवाइड कर रखा है गाइस कि ये एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC है। और यहाँ पर ये जो है गाइस आपको शॉपिंग के लिए इंस्टेंट पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करती है, फॉर EMI शॉपिंग एंड इंस्टेंट पर्सनल लोन। और यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको 30,000 से लेके तो 5,00,000 तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकती है। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नीडेड है गाइस वो कम से कम डॉक्यूमेंट पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर 100% डिजिटल प्रोसेस होगी इस एप्लीकेशन में। और इसमें कुछ APR वगैरह भी बता रखा है, तो अगर आप APR को देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है गाइस की 14% से लेके तो 28% तक पर NM एंड लोन टेन्योर, जो लोन का टेन्योर रहेगा वो 3 मंथ से तो 36 मंथ तक का हो सकता है। तो यही कुछ डिटेल्स है इसमें। और भी यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है, जैसे कि इसमें एग्जांपल वगैरह प्रोवाइड कर रखे हैं कि कितना लोन लेने पर कितना आपको टेन्योर मिलेगा या कितनी आपसे इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस, पूरी डिटेल्स। उसके साथ में अप्लाई कैसे करना है उसके डिटेल्स भी यहीं पर बता रखी है। लेकिन गाइस अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी यहां से जो मेन डिटेल्स थी वो हमने क्लियर कर लिए गाइस। अगर आपको इस एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आती है तो आप यहां पर कस्टमर केयर से सपोर्ट ले सकते हो। यहां पर उनके कॉन्टेक्ट के नंबर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने और भी कस्टमर के सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैं क्लियर कर चुका हूँ। अभी आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन कर लोगे अभी गाइस आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन और साइन अप। तो गाइस अभी हम पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको साइन अप इसमें करना होगा। तो साइन अप गाइस आप यहां पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी कर सकते हो। उसके साथ में यहां पर गाइस आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू भी इसमें साइन अप कर सकते हो। और नीचे आपको आपका फेसबुक अकाउंट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब आप फेसबुक से भी इसमें साइन अप कर सकते हो। तो जो भी आपको बेटर लगे, जिससे भी आप साइन अप करना चाहते हो, वो मेथड आपको चूज करना है। मैं मोबाइल नंबर के जरिए करूंगा, तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर टाइप करूंगा, उसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। आप जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करोगे उस पर एक OTP भेजा जाएगा, तो उस OTP को आपको एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में जब आप पहली बार इसमें साइन अप करोगे गाइस तो आपके सामने यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स ली जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके जस्ट नीचे आपको अपना जो लास्ट नेम है वो एंटर करना है, उसके नीचे आपको अपनी एक ईमेल आईडी जो है इनको प्रोवाइड करनी है। सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद में आपको नीचे सबमिट करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर कुछ मैंडेटरी परमिशंस आपसे ली जाएंगी, तो इन परमिशंस को आपको एक्सेस देना होगा, जैसे कि SMS कॉन्टेक्ट वगैरह की परमिशंस आपको देनी होगी। यहाँ पर इन कंसल्ट को भी आपको देना होगा, जैसे कि LO वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके आपको इन सारी परमिशंस को एक्सेस देना होगा। सारी परमिशंस को जैसे ही एक्सेस दे दोगे गाइस तो अभी आपके सामने ऑप्शंस आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फास्ट केस में आपको 6,00,000 तक का लोन अमाउंट देखने को मिल रहा है। उसके साथ में जो टेन्योर रहेगा वो 36 मंथ का बन सकता है। यहाँ पर ये गाइस सिर्फ बता रखा है, इतने का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया रही तो आपको मिल भी सकता है गाइस। जो इसमें इंटरेस्ट रेट स्टार्ट है वो 14% से स्टार्ट है गाइस, जरूरी नहीं है कि 14% ही रहेगा, यहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग है गाइस, आगे कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर अप्लाई नाउ करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको,
तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे सेम टू सेम ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको 30,000 तक की जो क्रेडिट लिमिट है वो देखने को मिल सकती है। बस इसे लेने के लिए आपको यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करना है गाइस, और कुछ प्रोसेस आपको करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं बस। तो वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको स्टार्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। स्टार्ट वाले ऑप्शंस पर जैसे ही क्लिक करोगे अभी गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको आपके जो पैन कार्ड के नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है गाइस तो यहाँ पर एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है कि डोंट हैव ए पैन कार्ड, लेकिन गाइस अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देने हैं। इससे होगा क्या गाइस कि अगर आपके सिविल स्कोर बढ़िया है तो आपको जो लोन अमाउंट है वो ज़्यादा भी मिलेगा गाइस, और जल्दी भी आपको मिलेगा, क्योंकि जब हम पैन कार्ड अपलोड नहीं करते हैं गाइस तो इसमें जो लोन मिलने के चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो आपको आपके जो पैन कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करने हैं और कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। आपके पैन कार्ड से आपकी जो डिटेल्स है वो ले ली जाएंगी, जैसे कि आपके पैन कार्ड के नंबर, आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम या लास्ट नेम जो भी आपका है वो सारी डिटेल्स ले ली जाएंगी। तो ये सारी डिटेल्स को आपको कंफर्म करके प्रोसेड पर क्लिक करना है। वो डिटेल्स फिलअप करने के बाद में गाइस आपसे यूजर डिटेल्स ली जाएंगी। इसमें आपका फुल नेम, आपका जो जेंडर है वो पूछा जा रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल हो या फिर मैरिड हो, उन दोनों में से आपको कुछ भी एंटर करना है। अगर मैरिड हो तो मैरिड, सिंगल हो तो सिंगल। उसके बाद में आपको अपने जो पिताजी का नाम है यानी कि फादर्स नेम एंटर करना है। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आपको प्रोसेड पर क्लिक कर देना है। प्रोसेड पर जैसे ही क्लिक करोगे गाइस आप जिस भी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल रहोगे वो अभी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आपको आपके जो आधार कार्ड है गाइस उसको साइन अप करना हो सकता है, यानी कि आपको आपके आधार कार्ड की डिटेल जो है यहाँ पर फिलअप करनी हो सकती है। एक सेल्फी भी आपसे ले सकते हैं। फिलहाल गाइस ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर जैसे बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन है वो फिलहाल रिजेक्ट हो चुकी है, तो मैं आपको यहाँ पर आगे की प्रोसेस नहीं बता सकता गाइस। तो वो मैं आपको यू ही बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस आपके सामने आ सकती है गाइस। तो ये कुछ प्रोसेस आपके सामने आएगी, जैसे कि आधार कार्ड की डिटेल्स आपसे लेंगे, उसके साथ में आपको जो है गाइस आपकी सेल्फी और जिस भी लिमिट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे इतने डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने के बाद में आपको वो लिमिट जो है शो कर देगा कि आप इतनी लिमिट के लिए एलिजिबल हो। तो उस लिमिट को लेने के लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करने की जरूरत हो सकती है, तो बैंक अकाउंट आपको ऐड कर लेना है और जिस भी लोन अमाउंट को आप लेना चाहोगे वो आपके बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही कुछ प्रोसेस है गाइस जो मैंने आपको यू बता दी है, क्योंकि मेरी एप्लीकेशंस आगे नहीं बढ़ पाई है, मेरी गाइस जो एलिजिबिलिटी है वो फेल्ड हो चुकी है। लेकिन गाइस अगर आपको इससे लोन नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, अदर वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप दूसरी वीडियोस में ट्राई कर लीजिए लोन लेने के लिए गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।